दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 22 नवंबर वाले भाषण पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर एतराज जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस पर निर्वाचन आयोग से 8 हफ्ते के अंदर फैसला लेने को कहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में 22 नवंबर को विधानसभा चुनाव की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, जेब कतरे अकेले नहीं आते हैं, वे अपने साथ 3 लोग लाते हैं। एक सामने से आता है जो ध्यान भटकाता है, पीछे से दूसरा आता है वो जेब काट ले जाता है। ध्यान भटकाने वाले नरेंद्र मोदी, लाठी मारने वाला अमित शाह। इसी बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोपों को गंभीर बताते हुए इसे चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया गया है। हाई कोर्ट ने इस बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी का बयान सही नहीं था। इसी मामले जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते हैं। अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा कैसे काटेगा? 3 आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से दिखता है। सामने वाला आता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है और दूर से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, तीसरा कहता है यहां पे मतलब जनता ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटुआ ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं टीवी में, सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, GST, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं, पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा उठा के ले जाता है, दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था। आयोग ने राहुल गांधी से इस मामले में जवाब देने को कहा था। आयोग ने पूछा था कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ क्यों न कार्यवाही की जाए। नोटिस जारी किए जाने के एक दिन पहले ही BJP ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी थी। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, 2023 के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस बहाल कर दी गई थी। पीएम मोदी के उपनाम को लेकर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी का मामला काफी तूल पकड़ा था। विपक्ष ने मोदी सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया था। 2019 के पुराने मामले में गुजरात कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई थी।